हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्ट फॉर्म में एमएस वर्ड भी कहा जाता है। अब एमएस वर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, नोट्स वगैरह टाइप करने के लिए, एप्लीकेशन वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह बनाने के लिए, पैराग्राफ और सेल कोटेशन हो गई, लेटर्स वगैरह हो गए, इन सब को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस वर्ड का कोई भी वर्जन जो आपके पास अवेलेबल या इंस्टॉल हो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है एमएस वर्ड 2013 है। सब वर्जन में काम सेम होता है, सिर्फ उसके अंदर कुछ ऑप्शंस के नाम डिफरेंस होते हैं, बाकी काम आप जो भी करेंगे वो सारा सेम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जो कि हमारे पास है। ऐसा से हमने एम एस वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। आज हमारा एम एस वर्ड के अंदर टॉपिक नंबर 7 है सेल कोटेशन। किस तरह से सेल कोटेशन या इनवाइस करते हैं वो आज हम सीखेंगे। अब सेल कोटेशन या इनवाइस क्या होता है? जिस तरह से आप कहीं भी शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, किसी भी शॉप वगैरह पे कोई सामान वगैरह खरीदते हैं तो वो आपको बिल बना के देते हैं, ठीक है, कोटेशन बना के देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा सेल कोटेशन। ठीक है, तो उसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से सिंपल अपना सारा टेक्स्ट टाइप कर लेना है, कोई भी मैटर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बार में जाएंगे, इसके अंदर ये शो एंड हाइट का ऑप्शन होगा। आप इसे क्या करेंगे, इस शो एंड हाइट के ऑप्शन को ऑन रखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना स्पेस दिया है, लाइन स्पेसिंग कितनी दी है और बीच में कितना स्पेस दिया है। तो इस तरह से आपने सारा टाइप कर लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने तो ये सिर्फ अपनी समरी वगैरह टाइप कर ली, अब हमने क्या करना है, बिल वगैरह बनाना है। तो बिल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोटेशन बनाने के लिए हमें टेबल लेना पड़ता है। ठीक है, तो टेबल किस तरह से लेंगे, सबसे पहले जो नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, इसके बाद जो आपने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इधर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 कॉलम्स ले लेंगे और जितनी रोज आपको चाहिए आप वो रोज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलम्स कहलाते हैं और ये रोज कहलाती हैं। अब आपने सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे इस तरह से। अब आपने अगर अपने कॉलम या रोज का साइज इंक्रीज करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट सेल में जाना है, माउस से क्लिक करके जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करके भी जा सकते हैं। अगर आपको और रो ओपन करनी है तो लास्ट वाली रो में क्लिक करके टैब प्रेस करेंगे तो एक और रो नीचे आ जाएगी। अगर आपने ये कॉलम के साइज छोटे बड़ा करना है तो ये जो आउटलाइन है इस पर क्लिक करके इस तरह से मूव करेंगे तो हमारे कॉलम का साइज क्या हो रहा होगा, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ हम सारा डेटा टाइप कर देंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस यानी कि एक चीज की कीमत क्या होती है। QTY, QTY मीन्स क्वांटिटी, कितनी आपने खरीदी है। अमाउंट यानी कि जो इस हिसाब से अमाउंट बनेगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या खरीदा है, माउस खरीदा है, कितने का एक माउस है, 220 का है। अब आपने कितने लिए या कस्टमर ने आपसे कितने लिए, 10 लिए, तो अमाउंट क्या बनेगी वो हम फॉर्मेशन के जरिए निकालेंगे। नेक्स्ट आ जाए, कीबोर्ड हमने दूसरा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कीबोर्ड है, कितने का है, एक 250 का है। कस्टमर ने कितने खरीदे, 15 खरीदे, टोटल अमाउंट क्या बनेगी वो हम बाद में निकालेंगे। अगर आपने टेबल का साइज इक्वली सब सेल का साइज छोटा बड़ा करना है तो कॉर्नर में आपको ये डॉट नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप यूं इस तरह से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिख देंगे, तो हमने दो प्रोडक्ट लिए तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट वाला बॉक्स है इसके अंदर हम क्लिक करेंगे,
अब हमने क्या करना है, अपनी यूनिट प्राइस को इस 10 क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके अमाउंट में हमें टोटल आंसर चाहिए, यानी कि टोटल अमाउंट जो हमारी बन रही वो चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, अमाउंट बॉक्स में क्लिक करेंगे, ऊपर टेबल टूल्स में जाएंगे। टेबल टूल में जाने के बाद यहाँ से लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होगा आपके पास फार्मूला, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें जो भी लिखा हुआ है आप उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उसकी जगह जो फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ आप वो टाइप करेंगे। इज इक्वल टू लिखा प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेफ्ट लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट साइड के दोनों जो वैल्यूज हैं प्रोडक्ट के फार्मूले के जरिए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह आप सेकंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फार्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसे रिमूव करेंगे और यहाँ पे दोबारा वही वाला फार्मूला ऐड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे तो सेकंड की भी आपकी क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। अब देखें, अगर आपने यूनिट प्राइस जो है इन दोनों को टोटल करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये टोटल वाले बॉक्स के नीचे यूनिट प्राइस वाले कॉलम में क्लिक करेंगे, फार्मूला के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और अबव लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो अबव दोनों वैल्यूज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। ओके करेंगे तो हमारा 220 और 250 मिला के क्या अमाउंट बन रही है, 470। इसी तरह हम क्वांटिटी वाले कॉलम में रखेंगे, फार्मूला में जाएंगे, यही फार्मूला हम सम लिख देंगे इक्वल टू सम और अबव लिख देंगे, यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज आपस में दोनों क्या हो जाएं, सम अप हो जाएं, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारी क्वांटिटी भी टोटल होके आ जाएगी। अब हम लास्ट अमाउंट टोटल करेंगे, वही फार्मूले वाले में जाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू सम लिखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अबव लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आपके जो ऊपर वाली दोनों अमाउंट वाली वैल्यूज है आप इसमें सम होके हमें यहाँ पर आंसर बता देंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने क्या कर सकते हैं, सेल कोटेशन बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अगर इस टेबल को आपने डिज़ाइन करना है तो इस टेबल को डिज़ाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा टेबल्स टूल्स का, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ से आप डिज़ाइन में आएंगे। डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, कोई भी यहाँ से टेबल स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई से सेंटर पोजीशन सेट कर देंगे। साइज़ वगैरह इंक्रीज करना चाहें तो साइज़ वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाकी जो आपका डेटा है उसे डिज़ाइन कर लेंगे। जैसा फर्स्ट मैन हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई से सेंटर में आ जाएगी, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा और इसका भी हम क्या कर देंगे, साइज इंक्रीज कर देंगे। इस तरह से बाकी हम इसको भी डिज़ाइन कर लेंगे, सेंटर में ले आएंगे, कंट्रोल बी से बोल कर देंगे, कंट्रोल ई से सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट से हम इसके साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, कंट्रोल यू से इसको अंडरलाइन दे देंगे। बाकी यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की यूज़ करेंगे डेट के लिए, जो आपको पहले भी बताई जा चुकी है, कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो आज की डेट जो भी आपके कंप्यूटर में सेव होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, बोल करके थोड़ा सा इसका भी साइज इंक्रीज कर लें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में ये जो आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन है इन्हें हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा सा साइज इनको इंक्रीज कर देंगे इस तरह से। कंट्रोल F2 से अब आप क्या करेंगे, इसका प्रीव्यू देख लेंगे। सही, तो इस तरह से आपने क्या किया है, अपनी सेल कोटेशन डिज़ाइन कर लेनी है। अब प्रीव्यू को कैंसिल करना है, स्केप का बटन दबा के कैंसिल कर देंगे। अब देखें, अगर आप अपने पेज के अंदर कोई भी हेडर या फोटर बनाना चाहते हैं, फोटर डालना चाहते हैं, हेडर या फोटर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा हेडर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास अलग अलग टाइप के हेडर आ रहे होंगे, यहाँ से आप जो भी स्टाइल लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। आपका हेडर ओपन हो जाएगा, अब उसमें आप जो भी लिखना चाहें आप वो टाइप करके लिख सकते हैं। इस तरह से
उसे आप सेलेक्ट करके डिज़ाइन भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया, होम मेन्यू में गए, कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले लेंगे, यहाँ से बोल्ड करना हुआ बोल्ड कर देंगे इस तरह से, कंट्रोल बी से। तो ये आपने हेडर दे दिया। अब हेडर देने के बाद आप क्या करेंगे, पेज पे डबल क्लिक करेंगे तो हेडर आपका क्लोज हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो टेक्स्ट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपने अब फुटर देना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, जहाँ से आपने हेडर लिया था उसी के नीचे आपके पास फुटर का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। जिस तरह का आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी स्टाइल चाहिए तो यहाँ पे वो स्टाइल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट को रिमूव करना है जो पहले से लिखा हुआ था, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट टाइप कर देंगे, जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपना आप पेज नंबर वगैरह टाइप कर सकते हैं। लास्ट में आप दूसरा अगर कुछ लिखना चाहते हैं वो भी टाइप कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है, इनको कोई राइटिंग स्टाइल देना चाहते हैं तो इनको सेलेक्ट कर लें, होम मेन्यू में जाके यहाँ से कोई भी फॉन्ट का स्टाइल दे दें, ठीक है। उसके बाद आप पेज पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर ऐड हो गया, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोबारा कंट्रोल F2 से इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये देखें, आप अपना हेडर और फोल्डर भी डिज़ाइन कर सकते हैं इसके अंदर सेल कोटेशन के साथ साथ। कंट्रोल F2 से प्रीव्यू देखने के बाद अब स्केप का बटन दबा के प्रीव्यू कैंसिल करेंगे। तो आज का जो आपका लेक्चर था उसके अंदर आपने सीखा कि किस तरह से आप सेल कोटेशन या इनवाइस बनाते हैं, किस तरह से आप वर्ड के अंदर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई और सम कर सकते हैं, और साथ में आपने सीखा है किस तरह से आप अपने पेज के ऊपर हेडर और पेज के नीचे फोटो वगैरह दे सकते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर MS Word का लेक्चर कम्प्लीट हो गया है। टॉपिक नंबर 7 सेल कोटेशन, आप इसे नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।